प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 3। देखो इसमें लिखा है मान निकालिए, इनका आपको मान निकालना है। तो देखो पहला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें देखो 63 और 27 कितना होता है? 90। यहाँ देखो 17 और 73 कितना होता है? जो प्रश्नावली 8.3 की तरह क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चेंज करते थे ना उसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था? साइन थीटा। तो देखो यहाँ इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और यहाँ इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर साइन को चेंज करना है तो उसका सूत्र क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा। और अगर कोस को चेंज करना है तो उसका सूत्र क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। ये होता है 8.3 प्रश्नावली से। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो देखो कोई पीछे वाले को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको चेंज कर दो तो साइन किसमें चेंज होगा? यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर लगेगा, 90 माइनस कितना? 27। 90 माइनस 27। देखो अगर इसके पीछे थीटा है तो यहाँ क्या आएगा? थीटा। पीछे 27 है तो यहाँ कितना आएगा? 27। अब बटे में देखो, बटे में अब यहाँ इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो मान लो इसी को चेंज कर लेते हैं तो कॉस किसमें चेंज होगा? क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर आएगा, 90 माइनस कितना? 17। और प्लस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर 17। ठीक है, किसी को भी चेंज कर सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ हल करो, क्या बचा ऊपर? साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ क्या है? cos स्क्वायर 90 में से 27 घटाओ कितना आएगा? 63। अब नीचे देखो sin स्क्वायर 90 में से 17 घटाओ 73 प्लस यहां क्या आएगा? cos स्क्वायर 73। ठीक है, ये तो किया हमने 8.3 प्रश्नावली से। अब इस प्रश्नावली का सर्वसम्मिका लगेगी आपके। देखो यहां sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? देखो यहाँ भी sin स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर, यहाँ थीटा का मान कितना? 63। यहाँ भी कितना? देखो यहाँ sin स्क्वायर हो, यहाँ cos स्क्वायर हो और थीटा का मान समान हो, उसका मान कितना हो जाता है? तो बताओ ऊपर मान यहाँ लिख देना चाहो तो, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका ऊपर कितना हो गया? 1। अब नीचे भी देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान भी कितना होगा? यहां भी 1 और 1 का भाग 1 में देंगे क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपके 1। आगे समझ में कोई डाउट नहीं है? अब देखो सवाल नंबर 2। sin 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ देखो 25 और 65 नंबर, यहाँ भी 25 और 65 नंबर, तो हमें क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इधर भी इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। अगर इधर साइन को बदलते हो उधर किसको बदलना पड़ेगा? कॉस को। और इधर कॉस को बदलते हो उधर किसको बदलना पड़ेगा? साइन को। ये ध्यान रखना है। तो देखो इधर हम कॉस को बदल देते हैं और उधर साइन को। तो देखो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। और साइन किस में बदलेगा? कॉस में। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो जब ये तभी बदलते हैं जब इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा हो? 90 आ रहा हो। ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस को बदलेंगे तो साइन कितना? 25 डिग्री। अब बताओ कॉस को बदलेंगे, बताओ कॉस किस में बदलता है? यहाँ कोणा का चिन्ह लगा देंगे, साइन 90 माइनस कितना? 65 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ कोस को बदलना है मतलब साइन को बदलना है, यहाँ कोस बदल दिया क्या बदलेगा? साइन। यहाँ कोस कितना? 25। अब साइन किसमें बदलेगा? कोस 90 माइनस कितना? 65। ठीक है, हल करो साइन कितना? 25 इनटू, अब देखो साइन का तो साइन 90 में से 65 गया 25 डिग्री। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, कोस कितना? 25 इनटू कॉस का तो कॉस 90 में से 65 गया कितना? 25। ठीक है, अब ये दोनों गुणा होंगे। देखो ये कितनी बार है? दो बार। तो जब दो बार होता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। क्या हो जाता है? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। उत्तर कितना आएगा? क्यों आया?
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ये सूत्र अच्छी तरह से तैयार करो तभी ये प्रश्नावली आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। आगे समझ में।